प्रदेश प्रीता मुख्यमंत्री जान तो हो ही रही है, सिर्फ जांच चाहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी की बात, प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई है, 24 प्रॉपर्टी डीलरों का फोन आया है एक महीने के अंदर, तो इस पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच्चाई। ये सब तो किसका काम है, जांच का, कि कितने उनके मोबाइल पाया है, वो गेट कॉल निकाली जाएगी, वो जांच होने बात तो कहेंगे, जो चीज हमको पता ही नहीं है हम उसके बारे में क्या बताएं। एक बात और, सब ये पूरा देश जानना चाहता है महाराज जी, कि वो आत्मिक रूप से, अंदर से आंतरिक रूप से इतने मजबूत थे, जो सुसाइड्स की बात आ रही है, तो आपको ये व्यक्तिगत, क्योंकि आप उनके बेहद करीबी थे, तो ये आपसे हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कदम उठा सकते हैं क्या भाई। जैसे मेरा नियम है, हर आदमी से वार्तालाप कर रहे हैं, हर लोगों से जानना चाहता हूँ। एक दिन पहले केशव भाई उनके पास आए थे, 10 दिन पहले उनके पास और क्यों आए, कानून मंत्री जी आए थे, और तमाम लोग घूमते फिरते उनके पास आते जाते रहते हैं। केपी सिंह का एक दिन पहले आना जाना, तमाम लोगों का आना जाना है, तमाम लोगों का है, अगर ये सबका एक ही कहना है कि पहले जांच, और वो जांच होने के बाद संस्थान क्या बताता है, और उसके बाद जांच हो ही रही है, आप धीरज रखिए, सच निश्चित सामने आएगा। आपको लगता है कि समाज में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो और किसी संत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो, इतना जल्दी, इतना अच्छे, इतना दिव्य मुख्यमंत्री दुर्लभ, इस उत्तर प्रदेश के लिए कई जन्म जन्मांत का पुण्य होने की बात मिला है, इसलिए ऐसा कहना कि कहीं की मतलब इस प्रकार की हम लोग मानते बेहूदी बातें मुख्यमंत्री जी पे या किसी और व्यक्ति पे मुख्यमंत्री जी नहीं इच्छा रखते तो क्या संभव था सीबीआई जांच होना, फिर उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास।